केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता हुआ। अब 200 के बदले 300 रुपए की मिलेगी सब्सिडी, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले साल चुनाव आ रहे हैं और इनको भाजपा को ऐसा लग रहा है कि ये हारने वाले हैं, तो ये हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नजर आ रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर शराब घोटाला हुआ। गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी की सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर ईडी की छापेमारी जारी है। शराब घोटाला मामले में जांच के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर रेड करने पहुंची। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों को मिलेगी रेगुलर बेल। मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचे लालू यादव ने कहा, सुनवाई तो होती रहती है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे डरने की जरूरत पड़े। जमीन घोटाले की सुनवाई को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा एजेंसी और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है सरकार, जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है। नागपुर के दो अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र के 3 शहरों के सरकारी अस्पतालों में 78 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 2 दिनों में 35 मरीजों की मौत पर भड़के शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल, सांसद ने अस्पताल के डीन से साफ करवाया टॉयलेट। हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज, डीन ने कराया मामला दर्ज। एट्रोसिटी के तहत एफआईआर दर्ज, डॉक्टरों के संगठन ने तत्काल माफी मांगने को कहा। वर्ली में शिंदे बनाम ठाकरे विवाद और गहरा गया है। वर्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैनर फाड़े गए, गणपति त्योहार को लेकर लगाए गए सीएम शिंदे के बैनर को फाड़ा गया। सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही सामने आई है। लियोनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी आया सैलाब। सिंगतम में बाढ़ से आर्मी के 23 जवान लापता हो गए। तीस्ता बैराज से 3 शव फिलहाल बरामद किए गए हैं। बाढ़ के कहर से नदी किनारे बने घर दुकान सब बह गए हैं। सिंगताम के पास वारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हुए, सेना के 41 वाहन कीचड़ में डूब गए हैं। बादल फटने के बाद प्राणमती नदी और पिंडर नदी का जल सर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोनाक झील के टूटने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों और शिव मंदिर में पानी घुस गया है, भारी नुकसान हो रहा है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वर्ल्ड कप मैच के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। 8 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप का पहला मैच कल। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार, ज्योति और ओजस ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड। दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर देश को 71वां मेडल दिलाया। पीएम मोदी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। ट्वीट कर ज्योति और ओजस को तीरंदाजी में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। स्क्वैश में अनहत अभय की जोड़ी ने दिलाया ब्रॉन्ज। स्क्वैश में मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में मलेशिया में भारतीय जोड़ी को 11-8, 2-11 और 9-11 से शिकस्त दी। मंजू रानी और रामबाबू की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय जोड़ी ने 35 किलोमीटर पैदल रेस इवेंट में देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। विधायक की दम्बाई का वीडियो सामने आया है। हाथ में बंदूक लेकर अस्पताल में घुसे भागलपुर के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार, सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद हाथ में ली बंदूक। जम्मू कश्मीर के रजौरी में लगातार 3rd दिन एनकाउंटर जारी। कालाकोट इलाके के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन भी ड्रोन की भी मदद ली जा रही है।
जम्मू कश्मीर में पहली बार नक्सली इलाके में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की तैनाती। राजौरी जिले के घने जंगलों में कोबरा कमांडो की पोस्टिंग की गई है। पुंछ में एसआईए की कार्रवाई जारी। नार्को टेररिज्म मामले के आरोपी मोहम्मद इकबाल के घर पर रेप। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास गांव करमांडा निवासी हैं आरोपी। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर कपूर को समन। ईडी ने रणबीर कपूर को समन जारी किया। ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए भी बुलाया।